नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। आपकी लाइफ के कुछ ऐसे गलत डिसीजंस जो आज तक आपको पछतावा दे रहे हैं, उनमें से कैसे उभरना है, उन पर पछतावा करने की बजाय कैसे आगे बढ़ना है, ये वीडियो केवल आपके इंटरेस्ट की ही नहीं है बल्कि एक पर्पसफुल वीडियो है। बहुत बार समझ नहीं लगता कि हमने फला फला डिसीजन क्यों लिया। आप शायद आज तक नहीं समझ पाए कि आपने कॉलेज में साइंस क्यों ली या फिर कॉमर्स क्यों लिया। अगर पापा की दुकान पर बैठ जाते तो जो स्ट्रगल आज करनी पड़ रही है शायद वो ना करनी पड़ती। या जो जॉब आपने छोड़ दिया क्योंकि आपके घर से 20 किलोमीटर दूर था, या फिर आपको लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था जो आपने प्रीवियस जॉब पे रिजाइन कर दिया, या फिर आपने किसी शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया, या फिर अब्रॉड जाने का डिसीजन जब टाइम आया तो नहीं लिया, एंड सो ऑन। यानी लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन जो आज तक आपको लगता है कि आपको कॉस्ट कर रहा है। मैं अपने इस लाइफ कोचिंग के करियर में हजारों ऐसे लोगों को मिला हूं जो उस पछतावे की आग से बाहर ही नहीं आ पा रहे। जब भी खाली होते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि ऐसा किया तो क्यों किया, अगर ऐसा ना किया होता तो शायद आज बेटर जगह पर होते। अब सुनिए, लाइफ में डिसीजंस तो लेने पड़ते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं और कुछ सही भी हो सकते हैं। सही डिसीजंस की वजह से जहां आज पहुंचे हो वहां का मजा ना लेकर, गलत डिसीजंस की वजह से जहां नहीं पहुंच पाए उसको रोज सोचते हो, डिस्कस करते हो और अपने आप को कोसते हो। आपने कभी सोचा है कि दूसरों की लाइफ में भी ऐसा ही होता होगा? यस, होता है। हर किसी की लाइफ में ऐसा हुआ है और ऐसा होता भी रहेगा। बहुत से डिसीजंस गलत साबित हुए एंड बहुत से डिसीजंस गलत साबित होंगे। अब क्या उस बिखरे हुए दूध को रोज देखते रहोगे, या कुछ बेटर करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए टाइम एंड एफर्ट्स लगाओगे? क्योंकि आपने फ्यूचर में जाना है इसलिए आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम फ्यूचर में बिताना है इसलिए फ्यूचर के बारे में ही सोचना पड़ेगा। और इन सब कामों के लिए मेरी ये वीडियो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। लाइफ का कोई भी डिसीजन आपको दो तरह के आउटकम देता है, या तो आपको मंजिल की ओर ले जाता है या फिर आपको एक्सपीरियंस दे जाता है। आई रिपीट, कोई भी डिसीजन या तो आपको मंजिल की ओर ले जाता है या फिर आपको कुछ सिखा जाता है। यानी आप कहीं भी लूजर नहीं हो। अगर आप अपने उस गलत डिसीजन के बारे में सोचो तो आपको लगेगा कि आज की जो सक्सेस है, जहां आज पहुंचे हो, उसमें उस गलत डिसीजन का भी थोड़ा सा रोल है। बैठकर एनालाइज करना, हर एक गलत डिसीजन भी आपको मंजिल के नजदीक जाने में हेल्प करता है, यानी कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा तो देता है। डिसीजन लेने के बाद ही एक्शन होता है और एक्शन होने के बाद रिजल्ट आता है। इसका मतलब अगर आप डिसीजन लेते ही नहीं हो तो एक्शन होगा नहीं, और एक्शन होगा नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। मधुमक्खियों ने डिसीजन लिया कि एक बंगलों के बाहर बरामदे में अपना छत्ता बनाएगी, और जब छत्ता बन गया तो बंगलों के मालिक ने छत्ते को आग लगा के सारे के सारा शहद निकाल लिया। यानी मधुमक्खियों का उस बंगलों के बरामदे में छत्ता लगाने का डिसीजन गलत साबित हुआ। अब वो क्या करे, उस गलत डिसीजन के ऊपर रोएं, या फिर आगे से ये सोच लें, ये सीख ले लें, ये एक्सपीरियंस सीख लें कि किसी भी बंगलों के बाहर बरामदे में छत्ता नहीं बनाना है। मेरी अपनी लाइफ में कितने ही गलत डिसीजन हो गए। शौक था फाइन आर्ट्स का, सब्जेक्ट्स ले लिए साइंस। शौक था पब्लिक स्पीकिंग का, करने बैठ गया बीएससी जिसमें टाइम ही नहीं मिलता था। पापा की पेंट इंडस्ट्री थी और मैं टूरिंग करता था। सेल्समैन मैं धांसू था। हमारा बिजनेस चाहे स्मॉल स्केल का था, फिर भी जिस रिटेलर के पास, जिस दुकानदार के पास एक बार चला जाता था, वो दुकानदार उसके बाद किसी और से पेंट नहीं खरीदता था। हमारा जयपुर में एक डीलर था,
मेरी सेल्समैनशिप से इंप्रेस होके मुझे कहने लगा कि आप मुंबई चले जाओ, वहां नेरोलक पेंट्स के जीएम को मिलो, मेरी रेफरेंस दे देना, मेरी उससे बात हो गई है, वो आपको डायरेक्टली सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे ले लेगा। तो मैंने कहा क्वेश्चन डज इट अराइज, मैं तो खुद का बिजनेस करता हूँ, पापा की इंडस्ट्री है, ये नौकरी वोकरी क्या चीज है। तो वो रिटेलर मुझे कहने लगा कि मदाम साहब, जो आप में एबिलिटी है आप स्मॉल स्केल में उसका फायदा नहीं ले पाओगे, मुंबई चले जाओ, मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर उसमें आप एक बार फिट हो गए तो 5-10 सालों में आपकी एबिलिटी आपको सीईओ की पोस्ट तक ले जाएगी। मैंने कहा दत्त, 5-10 सालों में तो मेरी कंपनी नेरोलक पेंट्स को भी खरीद सकती है। लेकिन हालात ने करवट ली, 1984 के रॉयट्स में हमारा इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि हमें वो पेंट इंडस्ट्री बंद करनी पड़ी। अब जरा सोचो कि अगर उस समय मैंने नेरोलक पेंट्स को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरी पोजीशन एंड मेरी सैलरी क्या होती। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो उस गलत डिसीजन के बारे में रोज सोचूं और उदास रहने लगूं, या फिर उसके बाद कुछ फ्यूचर के बारे में प्लान करूं और उस एक्सपीरियंस को उस फ्यूचर में यूज करूं। तो मैंने अपनी सेलिंग स्किल्स को LIC ऑफ इंडिया में पहले तो एज ए एजेंट यूज किया और उसके बाद एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर यूज किया एंड रिकॉर्ड बिजनेस प्रोक्योर किए, और उसके बाद आज तक उस एक्सपीरियंस को एज ए सेल्स ट्रेनर यूज कर रहा हूं। हमेशा अपनी एग्जांपल दे देता हूं, मुझे लगता है सुनाने भी आसान है, कंफर्टेबल फील करता हूं और आपका भी विश्वास मेरे ऊपर ज्यादा हो जाता है। आफ्टर ऑल किसी और की एग्जांपल्स क्यों दूं, किताबें पढ़ के बोलूंगा, किताबें तो आप ही पढ़ सकते हो, रादर पढ़ते भी हो। तो माय डियर व्यूअर्स, अगर लाइफ में कोई गलत डिसीजन हो गया है तो उसके बारे में सोचने की जगह, वहां पर उदास होने की जगह, वहां पर दुखी होने की जगह, उसके एक्सपीरियंस का फायदा लो और आगे बढ़ो। आपको पता है कि शाहरुख खान इस हाथ से खाना नहीं खा सकते? नहीं पता? एक और शॉकिंग बात बोलूं, शाहरुख खान इस हाथ से भी खाना नहीं खा सकते, यानी वो इन दोनों हाथों से खाना नहीं खा सकते। खाएंगे भी कैसे, ये दोनों हाथ तो मेरे हैं, यानी जो काम हम कर ही नहीं सकते उसके ऊपर समय क्यों लगाया जाए, उसके ऊपर प्लानिंग क्यों किया जाए। कुछ काम है जो आप कर सकते नहीं हो और कुछ काम है जो आप करना नहीं चाहते हो। जो काम आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं सकते वो तो सीखा जा सकता है, लेकिन जो काम आप करना ही नहीं चाहते हो, जस्ट इग्नोर देम। यानी मान लो आप सेलिंग नहीं करना चाहते और सेलिंग करने का, सेल्समैन बनने का एक डिसीजन ले लिया जो गलत हो गया, तो अब छोड़ दो, रोज रोने की बजाय उसे छोड़ दो और उसके बाद वो काम करो जो आप करना चाहते हो। मेरा एक दोस्त आर्मी में जाना चाहता था, एक बार डिसीजन लिया कि 2 घोड़ों के ऊपर खड़ा होके स्टंट करना है, लेकिन उस स्टंट के चक्कर में गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, एक टांग छोटी बड़ी हो गई और आर्मी में जाने का सपना टूट गया। यार उस दिन वो स्टंट करने का डिसीजन ना लिया होता तो अब यहां तो तू रोज बैठ के रो, उदास हो, डिप्रेशन में जा, आत्महत्या कर ले, या फिर कुछ नया सोच, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव। आज वो आर्मी की कैंटीन का ही बहुत बड़ा सप्लायर है, यानी आर्मी वालों में ही रहता है, आर्मी ऑफिसर्स के साथ ही उसका उठना बैठना है और लाइफ में बहुत कामयाब है, बहुत सक्सेसफुल है एंड सेटिस्फाइड भी है। एक बार एक दूध बेचने वाले ने डिसीजन लिया कि अपने बाइक के पीछे 2 बर्तन लटका के और अपने कस्टमर्स को दूध पहुंचाना, इसे हम डिसीजन ही कहेंगे ना। एक बार बाइक पे जा रहा था, 2 बर्तन पीछे लटके हुए थे, सामने एक पत्थर आया और बाइक स्लिप कर गया और बर्तन गिर गए, दूध गिर गया। वो उठा, एक बार दूध की ओर देखा, बाइक स्टार्ट किया और चलना शुरू कर दिया। उसका एक दोस्त अचानक वहां से निकल रहा था तो उसने देखा कि उसका दूध गिर गया है, उसने भी अपनी बाइक फास्ट दौड़ाई और उसके पास जाकर कहा, यार तेरा सारा दूध तो वहीं पर बिखर गया था। तो कहने लगा, जानता हूं लेकिन क्या कर सकता हूं,
तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने गलत डिसीजन की वजह से होने वाले नुकसान के ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते तो सोचो मत, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाओ। मैंने फर्स्ट लेसन एज ए सेल्समैन जो सीखा है एंड जो सिखाता हूं वो है कस्टमर की नो, NO, यानी कस्टमर जब नो बोलता है तो उसका मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यार मुझे आज उस कस्टमर के पास नहीं जाना चाहिए था, डिसीजन गलत हो गया, उसने बहुत टाइम वेस्ट किया, कुछ खरीदा भी नहीं और मुझे लगता है कि वो कभी कुछ खरीदेगा भी नहीं क्योंकि मेरी प्रोडक्ट उसके काम की भी नहीं है। यानी डिसीजन गलत हुआ, कस्टमर ने नो बोला, आपको पता चल गया कि कस्टमर किसी और प्रोडक्ट को चाहता है और आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, इसके ऊपर दोबारा कभी टाइम ना लगाया जाए और आप दोबारा उसके पास जाने की बजाय एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एक नेक्स्ट कस्टमर ढूंढते हो। आप क्या कर सकते थे, आपने क्या कर लिया होता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो आप क्या कर सकते हो एंड उसे कैसे करना है। मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा कि अर्जुन की तरह मछली की आंख पर फोकस करो और वहीं पर तीर चलाओ, लेकिन थोड़ा सा मैं बदलना चाहता हूं, मैं कहता हूं तीर चलाते जाओ। अगर किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मछली को उठाओ और उस डायरेक्शन में रख लो। अगर थोड़ा सा गोल रीडिजाइन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस तो कर लेना चाहिए, एंड माइंड इट, ऐसा करने से पहले अपना दिमाग जरूर यूज कर लेना। तो आज के बाद कभी भी लगे कि आपके पास में कोई डिसीजन गलत हो गया था तो मुझे याद कर लेना, क्योंकि बिखरे हुए दूध पर आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। मूव अहेड बिकॉज दिस इज योर लाइफ एंड ओनली लाइफ, मेक बेस्ट ऑफ इट एंड हैव द बेस्ट फ्यूचर। और कहीं भी लगे कि डिसीजन गलत हो गया है तो खुश हो जाओ, क्योंकि डिसीजन गलत लेना बेटर है डिसीजन ना लेने से। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, अगर डिसीजन सही हो गया तो मंजिल की ओर जल्दी पहुंच जाओगे, और अगर डिसीजन गलत हो गया तो एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, मुझे तो अच्छी लगी, अगर आपको भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। मेरी सारी वीडियोस को एक एक करके देखने का डिसीजन ले लीजिए, फायदा जरूर होगा, चाहे 1% ही हो, और अगर डिसीजन ना लिया तो फायदा 0, और 1% इज मच मोर देन 0। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड।